हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वॉट आर दे थिंकिंग। वो कौन पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ठीक है? रीडिंग का टॉपिक ये है। ऑप्शंस आपके सामने तीन हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको समझ नहीं आए तो फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, देखें आपकी जो नेम इनिशियल है वो किस वाले ऑप्शन के आगे है, फिर आप क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर वन। ये वाले कार्ड है ऑप्शन नंबर वन के लिए एंड ये वाली स्टोन अगर आपको अट्रैक्ट करती है देन आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन। ये वाले कार्ड है सेकेंड ऑप्शन के लिए और अगर आपको ये वाले स्टोन अट्रैक्ट करती है फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये वाली जो कार्ड है वो थर्ड ऑप्शन के लिए है एंड ये वाली स्टोन है थर्ड ऑप्शन के लिए। ओके, ये तीन ऑप्शंस है आपके सामने, जो भी अट्रैक्ट करती है उसको सेलेक्ट कर ले। और अगर आपको फील होता है दो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है या फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो किसी दो ऑप्शन में, तो आप दोनों ऑप्शंस की रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? और ध्यान रखिए कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी आई है तो आप इसे देख सकते हैं। ऑल्सो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है तो आप किसी भी जेंडर के हो इस रीडिंग को देख सकते हो। इन केस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं। नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वॉट आर दे थिंकिंग। कौन पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं एंड क्या सोच रहे हैं। एंड दोस्तों, हो सकता है आपको रीडिंग के समय बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सामने घर के सामने कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो मे बी हो सकता है आपको नॉइज सुनाई पड़े। काइंडली इग्नोर करें इन सारे साउंड्स को और रीडिंग के ऊपर फोकस करें। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स। सो ऑप्शन नंबर वन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कोई पर्सन जो है ना आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है आपको इस पर्सन की इंटेंशन पता है कि वो पर्सन आपको लाइक करते हैं। ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन को ये लगता है कि आप उनको लाइक नहीं करते हो, ठीक है? तो मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए ऑप्शन नंबर वन कि कोई ऐसा पर्सन है जो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, कोई आपको लाइक करता है, वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं एंड ये पर्सन आपको बहुत दिनों से एडमायर करता है। मे बी हो सकता है आप लोगों के घर के अगल बगल हो, ओके, या फिर हो सकता है आपके कॉलेज में हो ये पर्सन और डेफिनेटली ये तो आपको लाइक करता है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते हो या पसंद करते हो तो फिर भी आपकी तरफ से वो चीज़ें नज़र नहीं आती है, तो ये पर्सन काफ़ी उस चीज़ को फील करता है दैट आपको ये पर्सन बहुत लाइक करता है बट आप इनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, आप इनकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करते हो, वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। सो दिस इज़ समवन जो आपको काफ़ी पसंद करता है, ठीक है? एंड मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये किसी भी जेंडर का पर्सन हो सकता है, बट दिख रहा है जैसे कोई पर्सन बहुत आपको पसंद करता है या फिर आप किसी के क्रश हो एंड वो पर्सन अभी फिलहाल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। एट ऑफ वैंड्स, द सन एंड द फूल। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ना कि इस पर्सन के लिए आप बिल्कुल एक सन के जैसा हो, ठीक है? सन मतलब बहुत ही ब्राइट है, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ऐड करने वाला, बहुत ही हैप्पीनेस लेके आने वाला, किसी सिचुएशन के ऊपर में विक्ट्री पाने वाला, ठीक है? तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता है, बहुत ही पॉजिटिव फील करता है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ एट ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है इस पर्सन को ये लगता है कि आपसे पहले किसी पर्सन को नहीं देखा कि वो इतना पॉजिटिव है या इतना सभी क्वालिटीज़ है उसके अंदर, ठीक है? तो
आई कैन सी कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता है, आप में हर एक पॉजिटिविटी नज़र आती है उसको, और उसको लगता है कि आपके अंदर काफ़ी सारी रेयर क्वालिटीज़ है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, दूसरों को लीड करने की क्वालिटी है, एंड आप बहुत पॉजिटिव हो, लोगों के बीच में पॉजिटिविटी फैलाते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो किसी की तकलीफ को सुन के, और समवेयर विद द कार्ड ऑफ एट ऑफ वैंड्स आप जैसे बात करते हो, आपकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल है दूसरों को अपनी बातों को समझाने की जो आपका तरीका है वो इस पर्सन को काफ़ी पसंद आता है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द फूल, समवेयर ये जो है ना ये पर्सन आपके बारे में गॉड से प्रे करता है या तो फिर ये सोचता है काफ़ी इस बारे में, इसकी उम्मीद है कि इन फ्यूचर आप दोनों साथ में होंगे या फिर आप भी इस पर्सन की फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करोगे या फिर आप इस पर्सन की फीलिंग्स को समझोगे एंड आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो जाओगे, ऐसा कुछ इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये इस चीज़ के बारे में काफ़ी होपफुल नज़र आ रहा है। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स, हमें और क्या पता चलता है ये पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में। ऑल्दो ये जो है ना एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, फायर साइन का कोई पर्सन है जो आपके बारे में काफी सोचता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस एंड दिस इज द लवर्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके या तो हो सकता है आप मैरिड हो या तो फिर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है एंड इस वजह से इस पर्सन को लग रहा है, मतलब जो आपके बारे में सोच रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आना इस चीज़ का कोई चांस नहीं है, और बिकॉज आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, या तो फिर हो सकता है कि इनको ये लगता है कि आपकी पोजीशन, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो या फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो एंड इस पर्सन के लिए आउट ऑफ लीग हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन आपके साथ होना चाहता है, आपके लाइफ में होना चाहता है, आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहता है, बट या तो हो सकता है इसको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है या फिर आप बहुत ज़्यादा इनसे दूर हो, क्योंकि आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपको काफ़ी गुड लुकिंग देखता है ये पर्सन, और इसको ऐसा लगता है कि आप इनको कभी लाइक नहीं करोगे। इवन आई कैन सी कि ये गॉड से प्रे कर रहा है कि आप आ जाओ इनके लाइफ में या फिर कुछ ऐसा हो जाए मिरेकल कि आप भी इनको लाइक करने लगो, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हो और ये पर्सन अनमैरिड हो सकता है, तो वो भी चीज़ें हैं एक फैक्टर जिससे इस पर्सन के मन में वो डर है दैट इवन ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है बट पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है इस पर्सन को कि आप इनके लाइफ में आओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट वी हैव दिस कार्ड फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो आपके लाइफ में किसी न किसी की प्रेजेंस है जिसकी वजह से वो चीज़ है ना इसको काफ़ी तकलीफ देती है कि आपके लाइफ में कोई है या फिर आप मैरिड हो तो ये सिचुएशंस कैसे पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। इस चीज़ के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोचता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड आई कैन सेंस कि ये पर्सन फ्यूचर में कोई ऐसा एक्शन ले सकता है, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ये एफर्ट्स डाल सकता है जिससे कि आपके लाइफ में ये आ सके, ठीक है। अब ये कुछ भी कर सकता है इन द सेंस आपसे बात कर सकता है, आपको अप्रोच कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, कुछ भी, ठीक है, जिससे आपको पता चल सके दैट ही और शी लाइक्स यू। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम में है टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन टेन नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा है। हो सकता है मंथ ऑफ अक्टूबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बर्थ मंथ हो सकता है, आगे हम देखेंगे, ठीक है, जिससे आप आसानी से पहचान सको कि ये पर्सन कौन है। यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स है, टेन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर ये कोई आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। वी हैव दिस कार्ड सिक्स ऑफ कप्स, तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं और हो सकता है करेंटली आपकी कोई शादी की बात हो रही है या ऑलरेडी आपकी शादी हो गई है, तो ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैरिज नज़र आ रहा है या कोई रिलेशनशिप में है या फिर हो सकता है किसी की फैमिली ऑलरेडी है, आपकी किड्स भी हो सकती है, एंड दिस पर्सन लाइक्स यू, ये पर्सन आपको काफ़ी लाइक करता है, हो सकता है या आपका कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है या आप कहीं पे काम करते हो वहाँ पर ये पर्सन हो सकता है, बट ये आपको बहुत लाइक करता है, पसंद करता है। द कार्ड ऑफ लवर्स आपके साथ फैमिली भी देखता है, बट ऑलरेडी क्योंकि आप रिलेशनशिप में हो या आपकी मैरिज हो गई है या
या फिर आपकी किड्स हैं तो फिर वो चीज़ इस पर्सन को काफ़ी टेंशन देती है। ये सोचता है कि ये कनेक्शन कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये आपके लाइफ में कैसे आ पाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को लेके ये काफ़ी हर्ट है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं और इनको समय ये लगता है कि आपके साथ इनकी शादी होनी थी बट आपने इनका साथ नहीं दिया। देर इज़ समथिंग लाइक दैट, ओके। तो उस चीज़ को लेके ये काफ़ी तकलीफ में नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड आया है। 32 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 32 कैन बी एज ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन की एज 32 हो सकती है। एंड पार्टनरशिप का कार्ड आया है तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कभी किसी पार्टनरशिप में था, ये आपके साथ लव पार्टनरशिप इन द सेंस कि ये पर्सन आपका कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है और ये करेंटली आपके साथ यूनियन चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिप चाहता है, मैरिज चाहता है, फैमिली चाहता है। दैट आई कैन सी हियर, ओके। इस पर्सन की इंटेंशन वो नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड रेस्ट्रिक्शन एंड द नोवाइस, ओके। बट जो अभी सिचुएशन है ना आपके लाइफ में, अभी जो भी चल रही है, बॉटम में लव है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू अलॉट। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वी हैव दीज टू रिंग्स और सर्कल्स, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन के दिमाग में आपको लेके मैरिज, कंपेनियनशिप एंड फैमिली, इंगेजमेंट, वो सभी चीज़ें नज़र आती है। बट यहाँ पे द नोवाइस का कार्ड है तो या तो ऑलरेडी आपकी जो सिचुएशन है उसमें कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं इंगेज हो या पार्टनरशिप में हो ऑलरेडी, एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये पर्सन आपसे दूर है या इस कनेक्शन में इसको पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है। वी हैव द कार्ड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। बट ये पर्सन ना पीछे नहीं हटेंगे अपने एफर्ट्स को डालने से, ठीक है, कि आपके साथ ये यूनियन में आए या फिर इनकी तरफ से जो भी एफर्ट्स हो सके, तो ये पर्सन फ्यूचर में वो एफर्ट्स आपकी तरफ डालते हुए दिख रहे हैं सो दैट आप दोनों की जो कनेक्शन है ना वो बन पाए, आप दोनों यूनियन में आ पाओ, ओके। ऑल्सो यहाँ पे नंबर 5 है जो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी जो बर्थ मंथ है वो मंथ ऑफ मे हो सकती है एंड या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। वी हैव दिस टू कार्ड्स 3+2 5 एंड यहाँ पर भी जो कार्ड है इस पे नंबर 5 है, यहाँ पे भी नंबर 5 है। सो नंबर 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट एज दिस कैन बी द एज डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ यू। आप दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 5 साल का हो सकता है, आप बड़े हो सकते हो। दिस पर्सन कैन बी समवन जो आपसे यंगर है एज में, दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। लेट्स सी चिट से हमें क्या पता चलता है ये कौन पर्सन है, कुछ और हिंट्स जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि ये कौन है। Who is this person thinking about option number 1? So I have got this letter, letter E. Letter E can be important as this can be the name initial of the person. या फिर आपका भी हो सकता है and number 16 can be important, birth date हो सकता है आपका, इस person का हो सकता है and 5. As I said, number 5 can be important, इस person का जो birth date है ना वो 5 को आता हो, यहाँ पे भी number 5 है। या फिर मंथ ऑफ मे कैन बी इम्पॉर्टेंट, हो सकता है आप लोग मे में मिले हो। नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट, सेप्टेम्बर में इस पर्सन का बर्थ डेट। एच कैन बी इम्पॉर्टेंट, 3 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे जेमिनाई है तो ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं एंड एन है, यू है, ओके, एंड लिब्रा है तो ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं। ऑल्सो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस कैन बी इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे नंबर 12 है, ओके, यहाँ पे यू एन आया है, यहाँ पे सन, पर्सन लियो, ठीक है। दिस इज द रीडिंग फॉर यू ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग एंड द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। आपको अच्छी लगी है तो मुझे बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाले कार्ड सेलेक्ट की है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर आपने ये वाले स्टोन सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग, ठीक है। कौन है वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या पता चलता है हमें। फॉर माई व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2, आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखा करें। कैसे टॉपिक पे आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आप वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, मुझे पता चले कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हो, या फिर और कोई भी सजेशन है आप लिख सकते हैं, ओके। Queen of Wands, 8 of Cups. Nine of Swords. Ace of Swords.
टेम्परेंस, द सन। ओके, ऑप्शन नंबर टू मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे आपके लाइफ में कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो फिलहाल अभी आपके बारे में सोच रहा है, और ये वो पर्सन हो सकता है जो आपको अपने आप से खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करता रहा है, ठीक है, एंड आपको हमेशा ही ऐसा समझता रहा, आपकी जैसा बनने की कोशिश करता रहा, एंड हो सकता है आपकी तरक्की देख के या फिर आप जिस तरह से हो उसमें ये पर्सन ऐसा देखता था कि वो कम है आपसे, और वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी तकलीफ देती थी कि आपके जैसा बनना चाहता था एंड तुलना करता था। हो सकता है आपकी लाइफ, आपके मैरिज या फिर आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, इवन आप सिंगल हो या फिर आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, उसको देख के इस पर्सन को तकलीफ इसलिए होती थी क्योंकि वो चीज़ इसके पास नहीं थी। ऐसा सोचना गलत है, फिर भी ये सोचता था, ठीक है, और खुद को कंपेयर करता आपसे कि आपके पास सभी कुछ है जो इसको चाहिए था, या फिर आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स इस पर्सन को काफ़ी अच्छे लगते, या फिर आपकी जो एनर्जीज़ है, आप किस तरह से सभी काम को करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ कहीं पर पढ़ाई करता था, या फिर हो सकता है आप दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिले हो या कहीं पर आपकी ट्रेनिंग हो रही थी, तो समवेयर वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। बट ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कंपेयर करता था खुद को, और आपको देखता था कि आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपको जो भी सिचुएशन दिए जाते हैं आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, तो आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी की तरह ये पर्सन देखता था, और उस चीज़ को देख के इसको काफ़ी अच्छा नहीं फील होता था। वी हैव दिस कार्ड नाइन ऑफ सोर्ड्स, तो इसको लगता था कि जितनी तारीफ आपकी होती है, जिस चीज़ जो चीज़ आपको मिली है आपके लाइफ में, वो चीज़ें इसके पास होनी चाहिए, और समवेयर इसको लगता था कि पर्सन की जो भी हक की चीज़ें हैं वो आपको मिल रही है, तो एक जेलसी हम कह सकते हैं, कंपैरिजन कह सकते हैं, एंड एक तकलीफ और दुख था इस पर्सन के मन में, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ दिखती है। नाउ वी हैव दिस कार्ड एस ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस एंड द सन, एंड फिलहाल ये जो पर्सन है ना, इसके दिमाग में वो जो थॉट्स चलते थे आपके लिए, जेलसी की भावना हो या कंपैरिजन हो, आगे बढ़ रहे हो तो आप खुद को पीछे महसूस करना कि वो पर्सन आगे चला गया, मेरे लाइफ में तो वो खुशियाँ नहीं आएंगी, आप जिस तरह से खुश रह रहे हो या चीज़ों को हैंडल कर रहे हो आपके लाइफ में, तो वो चीज़ें इस पर्सन को पास्ट में काफ़ी तकलीफ देती थी, ठीक है। एंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस एंड द सन, तो फिलहाल जो है ना ये फीलिंग्स इस पर्सन की चेंज हो गई हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, तो इनके थॉट्स जो है ना वो चेंज हुए हैं, और जिस तरह से ये आपको पहले देखते थे, इवन पहले भी ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचते थे कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी ब्यूटी या फिर आप जिस भी तरीके से, आपको बहुत ही अच्छा समझते थे, बट उस चीज़ में इसको काफ़ी तकलीफ होती थी, ठीक है, ये पर्सन सैड था उस चीज़ को लेके, एज आई सेड जेलसी की भावना हो सकती है या खुद को कम देखना, बट करेंटली ना वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो ये पर्सन सीख चुका है कि किसी को देख के जेलस फील करना, या किसी के लाइफ को देख के कि वो बहुत अच्छी लाइफ को जी रहा है और फिर मन ही मन दुखी होना, वो चीज़ें गलत है। एस ऑफ सोर्ड है, तो इस पर्सन के सोचने का तरीका बदला है आपके बारे में, फिलहाल ये बहुत ही पॉजिटिव सोच रहा है। द सन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है कि भाई चलो आप अगर ग्रो कर रहे हो तो आपसे सीखा जाए, ठीक है, ना कि आपको देख के तकलीफ में आया जाए, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, दैट समवेयर आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है, या फिर इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आपको देख के इस तरह से अपने आप को छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपकी ही वजह से समवेयर इस पर्सन की थिंकिंग चेंज हुई है, ये अभी वो जेलसी की भावना, वो नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के आया है, एंड टेम्परेंस का कार्ड है, तो बहुत ही स्टेबल ये पर्सन अपने आप को फील कर रहा है, ये जो तकलीफ की भावना थी उसको रिलीज़ कर चुका है। एंड द सन, तो हो सकता है कि आपकी किसी बिहेवियर को देख के या कुछ भी आपके अंदर हो सकता है, मे बी हो सकता है ये पर्सन हमेशा ही आपको बुरा भला कहता हो, या आपके बारे में इसका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं रहा, फिर भी आपने काफ़ी इस पर्सन के साथ अच्छा बिहेव किया, तो ये सभी चीज़ें ना इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है, एंड नाउ ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचता है। वी हैव दिस कार्ड द सन, ओके, यहाँ पर टेम्परेंस है, तो आपके बारे में जो भी इसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग थी ना वो चली गई है, एंड इवन ये पर्सन हो सकता है आपके आपका दोस्त ना भी हो पहले, तो अभी फिलहाल ही आपका दोस्त बनना चाहता है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ वैंड्स है, तो ये आपके साथ या तो काम करना चाहता है, आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहता है, आपके साथ होना चाहता है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, लेट्स सी और क्या पता चलता है।
थ्री ऑफ सोर्ड्स है, सेवन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, बॉटम में यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ है, नाउ नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट है। तो दोस्तों ये जो है ना पर्सन सेम जेंडर का हो सकता है, लाइक आप अगर फीमेल हो तो ये भी फीमेल हो सकता है, और हो सकता है जिस पर्सन जो पर्सन आपके लाइफ में था या अभी फिलहाल है उसको देख के वो उसको ये पर्सन भी लाइक करता था, ठीक है, बट क्योंकि वो पर्सन आपके साथ था तो इस चीज़ को लेके ये तकलीफ में था, ठीक है। तो आप मेल हो तो ये पर्सन भी मेल है, आप फीमेल हो तो ये पर्सन भी फीमेल है, सेम जेंडर हो सकता है ये पर्सन जो आपके बारे में फिलहाल सोच रहे हैं। एंड पास्ट में जैसा कि मैंने कहा था कि आपको देख के काफ़ी तकलीफ में रहता था, एंड ये कार्ड भी यहाँ पे आया है, थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपके पास जो भी चीज़ें थी, आप जिस तरह से अपने लाइफ को लेके चल रहे थे ना, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही थी वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी तकलीफ देती थी। एंड सेवन ऑफ वैंड्स है, तो हो सकता है ये पर्सन और आप दोनों जज, लॉयर, एडवोकेट या लॉ के फील्ड से हो सकते हो, एंड साथ में काम करते या साथ में पढ़ते थे वो हो सकता है। एंड हो सकता है कि जो पर्सन आपके लाइफ में था, लव इंटरेस्ट आपका या करेंटली हो सकता है, उसको ये भी लाइक करता था या करती थी, तो इस वजह से भी हो सकता है अच्छा नहीं सोचता था ये पर्सन, ठीक है। एंड करेंटली वही पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। लेट्स सी करेंटली ये आपके बारे में क्या सोच रहा है। इवन जो कुछ मैसेजेस मिले हैं, पर और क्लैरिटी के साथ हम देखते हैं कि ये पर्सन करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है। द टावर एंड एट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। कैन यू सी दैट, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड फिर से आया है, यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, लेट मी शो यू टेम्परेंस एंड टेम्परेंस। हो सकता है ये पर्सन डॉक्टर, हीलर या कोई मेडिकल का स्टूडेंट भी हो सकता है, या फिर मेडिकल का कोई प्रोफेसर, टीचर भी हो सकता है। दिस पर्सन कैन बी समवन जो मेडिकल फील्ड से है या फिर लीगल फील्ड से, लॉ के फील्ड से हो सकता है। ओके, सॉलिसिटर, जज, और दिस पर्सन कैन बी अ मेडिकल स्टूडेंट, हीलर। ओके, एंड नाउ यू वी हैव दिस कार्ड टेम्परेंस, एट ऑफ वैंड्स एंड द टावर। एज आई सेड, आप दोनों के बीच में पास्ट में जो चीज़ें थी ना वो सही नहीं थी, ये आपको देख के काफ़ी हेट करता था या नेगेटिव फीलिंग्स थी या कुछ भावना, ठीक है, जैसे तकलीफ में होना इस पर्सन के मन में थी। नाउ ये पर्सन ना बहुत इसको गिल्टी फील होता है या तो बुरा लगता है कि आप अपनी जगह पर बहुत अच्छे थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इस पर्सन ने आपको एड किया, आपको तकलीफ पहुँचाई, हो सकता है आपको तकलीफ दी हो, बुरा भला कहा हो या आपके लाइफ में कुछ किया हो पास्ट में। ओके, तो बहुत ही इस पर्सन को अभी रियलाइज़ होता है, इनके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है, बहुत ही समझदारी आ गई है। हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअल हो चुके हैं या किसी ऐसे पर्सन से मिल चुके हैं जो इनको सही रास्ता दिखा रहा है। एंड नाउ यू कैन सी दैट देयर इज एन एंजल प्रेजेंट ऑन दिस कार्ड। तो हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जिनकी ऑरा काफ़ी पॉजिटिव है और उनके कनेक्शन में आके इनकी भी हीलिंग हो रही है, ये भी चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर पा रहे हैं, बैलेंस में आ पा रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ें यहाँ दिखती हैं। नाउ वी हैव दिस कार्ड एट ऑफ वैंड्स, ये आपसे बात करना चाहता है, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, या फिर इनको काफ़ी शर्मिंदगी है, ये आपसे एक बार अच्छे से बात करना चाहता है। एस ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ कप्स था एंड एस ऑफ वैंड्स था, तो ये आपसे ना वापस से दोस्ती करना चाहता है या बहुत ही अच्छे से आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है। रिलेशनशिप डजंट मीन दैट रोमांटिक रिलेशनशिप, आपके साथ जो भी इनका रिश्ता था, दोस्ती का हो, काम के जगह पे मिले हो, फ्रेंड हो सकता है ये आपका, ठीक है, सिबलिंग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, या फिर रिलेटिव हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। तो ये अभी फिलहाल आपके बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि इसको बहुत ही गिल्ट है, क्योंकि इसका व्यवहार आपके प्रति पास्ट में अच्छा नहीं था, अभी चीज़ों को अच्छा करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ होना चाहता है, इन द सेंस रिलेशन को अच्छा करना चाहता है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, तो किसी ने इसको सिखाया है कि किसी के साथ जेलस फील करना वो चीज़ें अच्छी नहीं है, किसी के साथ कंपेयर करना खुद को वो चीज़ें अच्छी नहीं है। सो यहाँ पे ये मैसेजेस है, चलिए और देख लेते हैं क्या पता चलता है। यहाँ पे वैंड्स के काफ़ी कार्ड्स हैं, तो ये पर्सन जो है ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है एंड स्कॉर्पियो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे फोकस है, नंबर 33। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है एंड हो सकता है आप लोग लॉयर
हो सकते हो, या फिर एडवोकेट जज कुछ लोग हो सकते हैं, एंड समवन कैन बी अ हीलर ऑल्सो. वी हैव द किंग. यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे नंबर 3 है. 333 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू. ऑल्सो आई कैन सी कि ये जो पर्सन है ना, अभी फ़िलहाल बहुत ही मैच्योर हो चुका है, बहुत ही समझदारी इस पर्सन के अंदर आ गई है. और ये इनकी पर्सनालिटी जो पास्ट में थी वो बदल गई है. एंड ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये किसी से मिला है, कोई हीलर्स किसी हीलर से मिला है, या कोई बहुत ही अच्छे पर्सन से मिला है जो काफ़ी नॉलेजेबल है, जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं. कोई गुरु हो सकता है जो इस पर्सन के लाइफ में आए हैं. एंड इसकी वजह से ना इसका फोकस किधर होना चाहिए, किधर नहीं होना चाहिए, क्या गलत चीज़ें हैं, वो इसको समझ में आ चुका है. ठीक है, और ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुका है, मुझे वो चीज़ें डेफिनेटली सेंस हो रही है. एंड इस वजह से इसका व्यवहार, इसकी सोच बहुत बदली है. और ये लोगों के साथ कैसे जस्टिस करना है, अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से हैंडल करना है, वो समझ में इसको आया है. वी हैव द किंग. ओके, तो हो सकता है इस पर्सन को कोई जॉब लगी है, या इसका पोजीशन जो था उसके लाइफ में वो काफ़ी चेंज हुआ है. ये काफ़ी ग्रो हो चुका है, काफ़ी मैच्योर हो चुका है. ओके, ऑप्शन नंबर 2. नाउ आई विल बी यूजिंग सम चिट्स जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके. मे बी नेम इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ, एनीथिंग लाइक दैट. नाउ वी हैव नंबर 4. नंबर 4 ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है इस पर्सन का, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है. सैजिटेरियस कैन भी इंपॉर्टेंट. ये पर्सन सन मून राइजिंग सैजिटेरियस हो सकता है. 19 कैन भी इंपॉर्टेंट. 19 अप्रैल को इस पर्सन का बर्थ डेट आता हो. नंबर 9 कैन भी इंपॉर्टेंट. वी हैव 333 को जोड़ते हैं तो भी 9 होता है. सो नंबर 9 कैन भी इंपॉर्टेंट, इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है. नंबर 5 कैन भी इंपॉर्टेंट. लेटर जी कैन भी इम्पॉर्टेंट. एंड नाउ वी हैव एक्वेरियस. ये एक्वेरियस लिब्रा लेटर डी से नाम हो इस पर्सन का. एंड ऑल्सो वी हैव दिस नंबर 10. ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू ऑप्शन नंबर 2. आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू एंड यू लाइक द रीडिंग. ऐसा है तो मुझे बताएं जरूर. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो, ऑप्शन नंबर 3. वेलकम टू योर रीडिंग. आपने ये वाले कार्ड सेलेक्ट की है, सेकेंड चक्र आर्क एंजल एरियल. एंड लेट्स सी कौन आपके बारे में सोच रहा है एंड क्या सोच रहा है. ठीक है, हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं. The moon, 9 of coins, 4 of swords. The devil, ace of swords, 9 of cups. The high priestess, the hermit, the hierophant, 10 of cups, 8 of coins. ओके, करेंटली मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी फेमिनिन है एनर्जीज में, या फिर वो फीमेल पर्सन भी हो सकता है. ठीक है, फेमिनिन इन द सेंस कि कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी इमोशनल है, जो काफ़ी केयरिंग है, आपकी काफ़ी केयर करता है, आपका अच्छा सोचता है, आपका भला सोचता है, वेल विशर. एंड विद द कार्ड ऑफ द मून, दिस पर्सन कैन बी समवन जो फीमेल फिगर भी है और हो सकता है मदरली फिगर है आपके लिए. जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, या तो ये आपकी मदर हो सकती है, मे बी आप उनसे दूर हो करेंटली, या फिर हो सकता है ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं जो आपके बारे में सोच रही हैं. तो ये आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, बट आई कैन से कि कोई फीमेल फिगर है जो आपके बारे में काफ़ी सोच रहा है. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, आपकी काफ़ी केयर करता है. फेमिनिन एनर्जीज है इस पर्सन की, इवन ये मेल है तो भी फेमिनिन एनर्जीज है. ओके, एंड हो सकता है आपकी सेहत ख़राब है, या आपके लाइफ में कुछ चैलेंज चल रहा है. मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ सेंस हो रहा है, या तो आपकी सेहत ख़राब है एंड इस पर्सन को लगता है ना कि आपकी कोई बुरी हैबिट है. वी हैव द कार्ड ऑफ द डेविल. आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो इधर उधर, या फिर आप बहुत अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हो मे बी, या मे बी आप कुछ ऐसा कंज्यूम करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए.
कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कुछ ऐसा कंज्यूम करते हो, मे बी अल्कोहल, मे बी कॉफ़ी, कुछ भी ऐसा एडिक्शन हो सकता है जिसके चलते आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है ना करेंटली अच्छी नहीं चल रही है। हो सकता है बहुत पैसे वेस्ट करते हो तो आपके फाइनेंसेस अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हो सकता है आपकी सेहत ख़राब चल रही है, और ये पर्सन चाहता है आपका भला, ठीक है, ये आपको खुश देखना चाहता है, आपके लाइफ में ये खुशियाँ चाहता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी बहुत ही ज़्यादा भलाई सोचता है, एंड यहाँ पे भी हाई प्रिस्टस का कार्ड है, तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो करेंटली अनमैरिड है, ओके, ये आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, एंड करेंटली ये पर्सन हो सकता है काम के लिए बाहर हो, या हो सकता है आपसे इस पर्सन की बात नहीं हो पा रही है, या आपके बारे में काफ़ी चिंता कर रहा है, ठीक है, आपकी भलाई सोचता है, अच्छा सोचता है कि आपकी लाइफ में अच्छा हो। विद डेविल कार्ड कुछ नेगेटिव चीज़ है आपके लाइफ में, उस चीज़ को ये आपसे बाहर करना चाहता है, ओके, आपके लाइफ से दूर करना चाहता है। एस ऑफ सोर्स ये चाहता है कि आप इस चीज़ के लिए एक्शन लो, इस चीज़ को अपने लाइफ से बाहर करो, एंड देन आप खुश हो पाओगे। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, तो खुशी हो आपके लाइफ में आ पाएगी, आपकी सारी विशेस पूरी हो पाएगी, ये ऐसा चाहता है। सो करेंटली हो सकता है आपकी सेहत ख़राब है, या पैसों का लॉस हो रहा है, या इमोशनली आप काफ़ी सैड हो, डिप्रेस्ड हो, एनजाइटी, समथिंग लाइक दैट, ओके, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, और ये चाहता है ना कि वो सिचुएशंस में आप अपनी पावर को शो करो, आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो, ओके। वी हैव दिस कार्ड नाइन ऑफ कॉइन्स, आपकी ग्रोथ हो, आप इवन आप सिंगल हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई मैरिज भी खत्म हुई है, तो ये पर्सन विश कर रहा है ना कि आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ का कारण है ना वो दूर हो पाए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मैरिज रिसेंटली ख़त्म हुई है, ओके, एंड ये उस चीज़ को लेके काफ़ी सैड है। पेज ऑफ फ्रेंड्स, ओके, हो सकता है ना कि आपके जो पेरेंट्स है या फिर आपकी जो गार्डियन है वो फिलहाल अभी आपसे दूर गए हैं, किसी काम के वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, बिजनेस के वजह से या किसी और काम के वजह से, और ये आपके बारे में काफ़ी वरिड है कि आप क्या कर रहे हो अपने घर पे, ठीक है, आप कैसे लाइफ को चला रहे हो अपने, क्या अपना ध्यान रख रहे हो, सही टाइम पे खाना खा रहे हो, आपकी लाइफ में सभी चीज़ें सही तो हो रही है ना। ऐसे जो हमारे पेरेंट्स टेंशन लेते हैं जब वो हमारे घर पे नहीं होते हैं, तो वही चीज़ें आपके जो पर्सन है ना वही लोग जो है सोच रहे हैं, ठीक है, तो या आपके पेरेंट, आपके गार्डियन, या जो पर्सन बहुत केयर करते हैं आपकी, ठीक है, आपके स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बनानास है, यहाँ पे वाटरमेलन है, तो ये जो पर्सन है ना वो चाहता है कि आप अपने जो फूड और डाइट है ना उसको सही करो, ठीक है। हो सकता है आपको फ्रूट्स खाने पसंद नहीं है, या आप खाते नहीं, या फिर आप अपने अपना ध्यान नहीं रखते हो, तो ये उस चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन में है। ये चाहता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, स्पेशली आपके फूड हैबिट्स को सही करो, अदरवाइज़ आपकी हो सकता है हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती है। The Emperor, Six of Wands, King of Wands. फिर से यहाँ पे डेविल का कार्ड है आपके लिए, यहाँ पे हायरोफंट है, ओके, हो सकता है आप किसी हीलर से मिले थे, या किसी गुरु से मिले थे, किसी टीचर से मिले थे, किसी डॉक्टर से मिले थे, जिससे आपने कोई मदद मांगी थी, ठीक है, एंड आपने मदद मांगी थी क्योंकि आपकी सेहत ख़राब थी, क्योंकि आपकी लाइफ की सिचुएशन ख़राब थी, आप काफ़ी डिप्रेस्ड या एनजाइटी में थे उस टाइम पे, और फिर आप हो सकता है उस पर्सन से बहुत दिनों से मिले नहीं हो, बहुत दिनों से आपने बात नहीं की है, बट ये पर्सन ना आपके बारे में जेन्युइनली अच्छा सोचता है, आपकी केयर करता है, आपकी ग्रोथ चाहता है, ठीक है, एंड हो सकता है आपकी ये स्पेसिफिक मैसेज है सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आपका जो रिलीजन है दूसरे रिलीजन का ये पर्सन हो सकता है, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैसेज आप ऐसे समझ सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये आपकी आपका भला सोचता है, और हो सकता है आपने इस पर्सन से बहुत दिन से बात नहीं की है, तो ये सोच रहा है ना कि आपकी सिचुएशन क्या है, अभी आप सफ़र तो नहीं कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम वापस से आपकी लाइफ में तो नहीं आ गई है, ठीक है, आप सही तो हो, वो चीज़ें को इस पर्सन को काफ़ी टेंशन दे रही है, आपकी चिंता कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, एंड विद द एम्परर एंड किंग ऑफ वैंड्स,
सिक्स ऑफ वैंड्स ये आपका भला सोचता है, ये आपकी ग्रोथ चाहता है, आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है, ये चाहता है आपकी जो विश है, हो सकता है आपने अपने करियर को लेकर डिस्कस किया इस पर्सन से कि आपको एक अच्छी पोजीशन चाहिए, आप अपने लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, ओके, आपको कोई बिजनेस ग्रो करनी है, तो हो सकता है इस बारे में आपने बात की है इस पर्सन से, तो ये आपका अच्छा सोचता है एंड करेंटली आपकी खबर लेना चाहता है, लाइक आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे, ऐसा ये जानना चाहता है, ठीक है। एंड करेंटली यहाँ दिख रहा है ना कि इस पर्सन के पास कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या इसको पता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए सुइटेबल है, उस चीज़ के बारे में ये आपको इन्फॉर्म करना चाहता है, ठीक है। जैसे हो सकता है आपने कभी कुछ करियर को लेके या बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस किया था और आपने बोला था कि काश मुझे वो चीज़ें मिल जाती या वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती, तो इस पर्सन को उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चली है करेंटली, तो ये आपको बताना चाहता है कि आप वहाँ पर एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देयर इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे द डॉग है एंड यू कैन सी अनकंडीशनल लव है, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी, तो ये पर्सन ना आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है, अनकंडीशनल लव है तो बहुत ही ज़्यादा आपको मानता है, ठीक है। ये अनकंडीशनल लव ना हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके पेरेंट्स के बारे में ही बात हो रही है, या कोई गार्डियन हो सकता है या कोई गुरु हो सकता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनली प्यार करता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है, ठीक है। एंड या हो सकता है कुछ लोग के लिए आपके पार्टनर, लव पार्टनर भी हो सकते हैं, मैरिड हो तो स्पाउस हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं करेंटली, दूर हो, वी हैव वेल्थ, ओके, तो डेफिनेटली एज आई सेड आप कोई करियर रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छी खबर है जो आपको बतानी है इस पर्सन को, जिससे आपकी हेल्प हो सकती है, ओके। एंड वी हैव द मिस्ट्री, देर इज़ समथिंग अननोन, और कुछ बातें हैं, कोई अपॉर्चुनिटी या वेल्थ रिलेटेड है जो आपको सुन के ना बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, वो बातें आपको ये पर्सन बताना चाहता है, ठीक है। एंड एज आई सेड यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, लॉयल्टी सिंसियरिटी है, तो ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपका अच्छा सोचता है, आपकी ग्रोथ के बारे में सोचता है। ओह वाओ, वी हैव द किंग यहाँ पे एंड फिर से यहाँ पे किंग है, ये आपके कोई ना कोई तो ऐसे पर्सन है जो आपके गार्डियन है, पेरेंट या आपसे अथॉरिटी में बड़े हैं, ठीक है। एंड ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपका अच्छा सोचते हैं और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी सारी विशेस पूरी हो, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो, आपके सारे सपने पूरे हो, ये उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी वेल्दी, काफ़ी रिच, काफ़ी वेल सेटल्ड हो सकते हैं, ओके। एंड एम्परर एंड द किंग है, तो ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी समवन जो काफ़ी पावरफुल है, ओके। हो सकता है ये आपको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, चिट से भी हम देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके कौन है ये पर्सन। हो सकता है कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 भी देखा है, लेटर जी से इस पर्सन का नाम आता है, लेटर एल कैन आल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेटर क्यू, लेटर टी, ओके, दिस इज डब्ल्यू, एंड आपके लिए वेल्थ का भी कार्ड आया, तो ये हो सकता है आपको फाइनेंशियली या तो कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएगा या तो बताएंगी, ओके, ऑब्वियसली, एंड वेल्थ एंड डब्ल्यू लेटर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लेटर सी कैन बी इम्पॉर्टेंट, एंड ई जी क्यू टी डब्ल्यू ई सी लेटर आए हैं यहाँ पे, डी एंड 10 नंबर से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एज बर्थ डेट हो सकता है, मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का 10th मंथ ऑफ द ईयर, लेटर एक्स कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके, एंड यहाँ पे 11 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन, के कैन बी इम्पॉर्टेंट, 19 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 12 कैन बी इम्पॉर्टेंट, एंड जे, आपके लिए बहुत सारे नेम इनिशियल्स आए, सो लेट मी रीड फॉर यू, जे के एक्स सी ई डब्ल्यू टी क्यू जी डी
10, 11, 12, 10, 11, 12 and 19. These numbers can be important for you or this person. Okay, यहाँ पे कैंसर ज़ोडिक साइन आया, तो ये पर्सन कैंसरियन भी हो सकते हैं. ओके, एंड हो सकता है आपके आप रिकॉर्ड हो, लिब्रा हो सकते हैं कुछ लोग. सो ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. आई होप सो यू लाइक द रीडिंग एंड द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू. मुझे बताएं ज़रूर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.